हमें चाहिए हाइब्रिड मोड, क्योंकि ये जरा सा इनका मोटिव है कि इनको बस फेल करा जाए और यहाँ रखा जाए, तो ये गलत है। इसी सोच की वजह से हम उनको जताना चाहते हैं कि ये इनका सोच गलत है और आगे नहीं मानेंगे। तो आपका पता होगा स्टूडेंट पावर कितना हम दिखा सकते हैं। अभी दिखा रहे हैं टूटे हुए पिपिर्स, दिखा रहे हैं टूटे हुए हमें वो माइक्रोस्कोप सिखा रहे हैं, अभी तो हम क्या करेंगे। हमने ऑनलाइन पढ़ाई की 80%, वी वांट ऑनलाइन, और मेंटली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इनिशियली, बिगनिंग से हमें पता था कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, सो वी वांट प्रिपेयर्ड कि ऑनलाइन ही होंगे। नाउ सडनली हमारे लाइक ऐसे ऑफलाइन, तो मेंटली भी बच्चों पे प्रेशर है, व्हिच इज नॉट राइट, तो वो ड्यू को समझना चाहिए। सरल भारत न्यूज, भारत का अपना चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं सरल भारत। आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। यहां पर भारी संख्या में, कल लगभग 500 या हजारों की संख्या में छात्र एक साथ जमा हुए हैं। उनकी मांग है, जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी समय तक हो रही थी कोरोना के दौरान, और अब वो ऑफलाइन हो चुकी है, लेकिन उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। साइंस के विद्यार्थी ये कहते हैं कि जो क्लासेस 80% हो चुकी है, अब उन्हें कोई फ़ायदा इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि लैब वगैरह सब बंद हो चुकी है, और वो चाहते हैं कि वो हाइब्रिड मोड पर चले जाए। इस वजह से वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं, उनके ये सारे पोस्टर्स कि DC ड्यू जवाब दो वगैरह वगैरह हमें देखने को मिले हैं। अब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे साथ लड़कियाँ भी मौजूद है जो इस मांग के लिए अपनी आवाज़ उठा रही हैं। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? श्वेता सिंह। ओके, एक्चुअली हमारे जो भी सिलेबस हुए हैं वो 80% ऑनलाइन उन्होंने करवाए हैं, एंड देन ये 20% हमारे ऑफलाइन करवा के एंड देन ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज स्टूडेंट एक तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, एंड देन स्टूडेंट बहुत दूर दूर स्टेट से आ रहे हैं, शिफ्ट होने में भी टाइम ही ला रहे हैं। एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे लोग आए भी नहीं हैं और बिल्कुल अचानक से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे हम कि ऐसा कुछ होने वाला है, तुरंत ही ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल ऑफलाइन लेना एग्जाम्स गलत नहीं है, लेकिन हमारा सिलेबस उस तरीके से कम्प्लीट हुआ ही नहीं है। अचानक से आप बोल दोगे कि हम बिल्कुल ऑफलाइन एग्जाम्स लेना चाहते हैं, आधा सिलेबस आपने हमारा सर ऑल्सो नॉट रेगुलर राइट नाउ बिकॉज टीचर सबकी स्ट्राइक्स चल रहे हैं, तो वो अभी है नहीं, एंड दिस इज नॉट राइट फॉर अस बिकॉज हमने ऑनलाइन पढ़ाई की 80%, तो वी वांट ऑनलाइन, और मेंटली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इनिशियली, बिगनिंग से हमें पता था कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, सो वी वांट प्रिपेयर्ड कि ऑनलाइन ही होंगे। नाउ सडनली हमारे लाइक ऐसे ऑफलाइन, तो मेंटली भी बच्चों पे प्रेशर है, विच इज नॉट राइट, तो वो ड्यू को समझना चाहिए। दौलतराम कॉलेज हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खुल रहा है और 75% सिलेबस हमारा ऑनलाइन हुआ है, तो आप 25 में वो ऑफलाइन में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे टीचर्स भी। हमने तो सुना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी तरह से खुल गया है। दौलतराम कॉलेज नहीं खुला है, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन हमारा कॉलेज खुला है, एंड उसमें भी काफी बच्चे आ नहीं रहे हैं, अभी भी दूर दूर के बच्चे तो अभी आए भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए वो कह रहे हैं ऑफलाइन, यहाँ की बात नहीं है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, IIT देख लो, हर जगह पे हाइब्रिड मोड में चल रही है, चाहे वो क्लासे है जो एग्जाम हो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेथड में, हमें चाहिए हाइब्रिड मोड। ये पिछला चार बार चल चुका है, तो ड्यू का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि OBE के लिए। हमारा बेसिक डिमांड है कि जो कोर्स आपने जिस मोड में पढ़ाया है उसी में मोड में आप एग्जाम लीजिए। आपका कोर्स क्या है? मेरा मास्टर ऑफ फिजिक्स है। तो जो आप देखिए, हमारा सेमिस्टर शुरू होता है जनवरी में, और जनवरी में फिर से नया थर्ड वेव आ गया था, तो इसी वजह से क्या कर दिया, सारे कुछ बंद कर दिया, जो भी थोड़ा प्रैक्टिकल बहुत चल रहा था उसी को बंद कर दिया और ऑनलाइन फिर शुरू किया। तो शुरू हुआ 5 महीने का, कोविड की वजह से 5 महीना सेमिस्टर करा दिया गया, और उसी में से हमारा 2 महीना ऑनलाइन चला, और 2 महीना में 80% सिलेबस खत्म ही हो गया। तो 80 और 20% जो सिलेबस रहा अभी चला रहे हैं, और बस 1 महीना ऑफलाइन क्लासेस चलेगा। तो इसी वजह हमारा लगभग सारा कोर्स मान लीजिए वो ऑनलाइन चला है। तो आप इसी मोड में एग्जाम लीजिए ना, जिस मोड में आपका कोर्स कराया गया है उसमें लोग देख रहे हैं, आगे इतना प्रोटेस्ट बढ़ेगा कि इनको मानना ही पड़ेगा। क्या अब तक आपकी VC से बात हुई है? नहीं, VC से बात नहीं हुई है। पहला प्रोटेस्ट जो था, डीन ऑफ वेलफेयर ने उन्हें बुलाया था, तो उन्होंने ऐसे समझा कर भेज दिया कि बोला कि ये है ऐसे, और ये एक और पॉइंट रख रहे हैं कि तुम्हारा एक सेमिस्टर ऑनलाइन ऑफलाइन होना चाहिए। बोल रहे कि अगर बाहर जाओगे जॉब करोगे तो तुम्हें पूछेंगे कि ये ऑनलाइन डिग्री, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको हम बताना चाहते हैं कि कोई भी आगे हायर स्टडी PhD वगैरह करिए, वहाँ प्रॉपर एक उनका क्राइटेरिया होता है,
पहले जाना पड़ता है, एंट्रेंस में जाना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू जाना पड़ता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये बच्चा ऑनलाइन पढ़ के कुछ कर नहीं सकता, ये इनका एक गलत सोच है, ये सोच का हम बदलाव लाना चाहते हैं। हमें जो एक और एक महीना रहेगा हम वो भी चाहते, क्योंकि ये जरा सा इनका मोटिव है कि इनको बस फेल करा जाए और यहाँ रखा जाए, तो ये गलत है। इसी सोच की वजह से हम उनको जताना चाहते हैं कि ये इनका सोच गलत है और आगे नहीं मानेंगे तो आपका पता होगा स्टूडेंट पावर कितना हम दिखा सकते हैं, और ये नहीं मानेंगे तो इतने लोग देख रहे हैं आगे से और बढ़ेंगे और ये प्रोटेस्ट और दमदार होते जाएगा। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें वो भी चाहिए, बस सीधी बात। जिंदगी भर हम वो भी क्लास लिए, अब आप अचानक से मांगिएगा ऑफलाइन क्लास तो कैसे होगा, नहीं चलेगा ऐसा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमन वर्मा है, मैं MSc फिजिक्स मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, फाइनल सेमेस्टर का मेरा थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हुआ। फोर्थ सेमेस्टर के बाद 3 जनवरी को यहाँ से अपना मतलब MSc का ये नोटिफिकेशन मतलब ये रिलीज़ हुआ कि हमारा कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड रहेगा। हमारे HOD ब्रिजेश सर है, उन्होंने बोला कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा हमारा मोड। फिर उसके बाद हमें लगा कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा, फिर और हमारा लास्ट सेमेस्टर है और हम MSc के स्टूडेंट हैं, हमें कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम मतलब आगे की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम फिर लास्ट सेमेस्टर जिस हिसाब से मतलब हुआ है हम उस हिसाब से तैयारी करने लगे, कोचिंग ज्वाइन करने लगे, अपने घर पे थे वो भी सब चल रहा था। फिर बीच में क्या हुआ कि नौ फैब में एकदम नोटिस आ जाता है कि तुम्हारा 17 फैब से ऑफलाइन कम्प्लीटली ऑफलाइन हो जाएगा। हमने उसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करा और यहाँ पे जो हमारे क्लासेज हैं डिपार्टमेंट में चलती है और हमें मतलब रूम विजयनगर कमला नगर मलका चौक यहाँ पर लेने पड़ते हैं और यहाँ पर जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब कि अभी तक भी बच्चे आए नहीं हैं, अभी तक भी रूम फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, दूर जाकर या बुराड़ी या फिर संत नगर जाकर वहाँ पर ले रहे हैं अभी तक भी जाकर, और इतनी दूर से यहाँ से ट्रैवल करते हैं फिर आते हैं। तो हमारी यही मांग है और हमारा 80% सिलेबस हमारा ऑनलाइन गया है पूरा, और अभी 20% सिलेबस अभी ऑफलाइन ले रहे हैं और अभी भी हमारा ऑफलाइन नहीं हुआ है। हमारा फिजिक्स वाला तो अभी भी थोड़ा ब्रिजेश सर ने रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत दे दिया है हमें और हमारे 21 तारीख तक ऑनलाइन चला दिया, लेकिन लैब हमारी अब तक भी ऑनलाइन ही चल रही है लैब। और हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हमारी लैब बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब मेन होती है लैब, और हमारी लैब भी आज तक ऑनलाइन ही गई है लैब। तो हमारा ये कहना है कि अगर और सेमेस्टर का ऑनलाइन हुआ है, और सेमेस्टर का ऑनलाइन सेमेस्टर कर दिया, ऑनलाइन OB कर दिया, वो हमसे 15 दिन पहले ही खुला था और हमारा 15 दिन बाद इवन सेमेस्टर के हम स्टूडेंट हैं, तो हम चाह रहे हैं उनका 15 दिन पहले खुल गया था, हमारा क्यों नहीं खुल पाया, हमारा ये है। और हम इसी मांग के लिए यहाँ पर 300-400 छात्र आज इकट्ठे हुए हैं, आप दिखा सकते हो OB फॉर ऑल हमारा यही मतलब मोटिव है कि सबका OB हो जाए ये सेमेस्टर, या तो हमने कभी खोलने के लिए मना नहीं किया, हम फर्स्ट सेमेस्टर से कह रहे थे कि हमारा अब खुले। जो प्रोटेस्ट चल रहे थे ड्यू में कुछ टाइम पहले कि ऑफलाइन हो जाए, उसमें आप शामिल हुए थे? उसमें इनमें से कोई शामिल था, क्योंकि हमें अगर हम शामिल होते, अगर सेमेस्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट होता ना, अगर फोर्थ सेमेस्टर स्टार्टिंग से होता तो हम शामिल होते, अब बीच में स्टार्ट हो रहा है, अब फोर्थ सेमेस्टर के 2 महीने जा चुके हैं मेरे, अब मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा ऑफलाइन हो जाए? हम भी चाहते हैं ऑफलाइन हो, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से चाहता था कि मेरा ऑफलाइन हो, सेकंड में हमें प्रोमोट कर दिया, थर्ड सेमेस्टर हमें लगा कि अब कोरोना के केसेस नहीं है, अब हमारा ऑफलाइन हो, इन्होंने ऑफलाइन नहीं करा हमारा। लेकिन अब फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्टिंग में भी कर देते ना, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इन बच्चों किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने से स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट पहले 7 तारीख को हुआ था, जो स्टूडेंट द्वारा ही किया गया था, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सारे ही स्टूडेंट्स थे। तो ये 7 तारीख को पहले कुछ लोग आए, फिर जब ज़्यादा लोगों को पता चला जो जिनकी मांगे हैं जायज़ हैं, तो उस हिसाब से लोगों ने फॉर्म भरा, एक OB का फॉर्म था, तो छात्र जुड़ते गए, जितने भी स्टूडेंट हैं सब जुड़ते गए इस प्रोटेस्ट को लेकर। 11 तारीख को एक प्रोटेस्ट और हुआ था जिसमें DSW को, जिसमें हायर अथॉरिटीज़ को मेमोरेंडम सबमिट किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई फैसला नहीं आया अंदर से, और आज छात्र अपनी मांग को लेने आए हैं, तो जिस हिसाब से जैसा फैसला होगा वो किया जाएगा। जी भाई, डिसीजन था 7-8 को, ये डिसीजन आया कि 14-17 से ये खुल रही है। अब क्या दिखाना चाहते हो कि 8-10 दिन में पूरे ऑल इंडिया के पूरे आउट ऑफ द कंट्री स्टूडेंट सारे इधर आ जाएंगे? क्या दिखाना चाहते थे कि हम बहुत लायक है? इससे डिसीजन क्या डिसीजन है? ये नलायक डिसीजन था, डल डिसीजन था। ये DU प्रशासन खुद ही डिसीजन बनाता है, खुद ही ये लागू करता है, और खुद ही ये अभी फेल करेगा। ये जो भी इन्होंने कहा नहीं होगा, ये भी होगा। लैब जो हुई है वो सिर्फ यही है कि हाँ, देखी नहीं है लैब, तो अभी देखी हमने। लैब का क्या बताया था इन्होंने? लैब का ये बताया था कि ये होता है, ऐसे होता है, बस हमें यही पता था कि होता है, बस देखा नहीं था हमने। दिखाना किसने था? सभी के लिए यूनिवर्सिटी आप थी, जब दिखाने का समय था तब आप थी, और अब जब
अभी दिखा रहे हैं टूटे हुए पिपिट्स दिखा रहे हैं, टूटे हुए हमें वो माइक्रोस्कोप दिखा रहे हैं, अभी तो हम क्या करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा जैसे हम इधर आए पीजी के लिए घूमते 8-9 घंटे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम पीजी का रेट देखते हैं 12,000-13,000 एक बेड के लिए विदाउट ए सी, अगर हम विद फूड लेते हैं तो 15,000-16,000, ये बताओ मिडिल क्लास फैमिली 15,000 कब देगी, काफ़ी दिक्कत है। 15,000 दे रहे हैं और साथ में बुलाया भी 8 दिन में है, और DU प्रशासन ने हमें ये तक उनको पीजी के जो ओनर से उनको ये भी आगाह नहीं किया था कि आप इतना रेंट ना लो, उन्होंने कहा हमें खोलीज यूनिवर्सिटी अब जो करना करो, इतनी लूट यहाँ पे मचाई थी इन्होंने, अभी भी वही साहब खोलने की बारी थी, नवंबर में जब केसेस डाउन हुए कोई नहीं खोला, मिडिल सेमेस्टर में क्यों खोली और मिड सेमेस्टर में, और सुनिए इनके कहते हैं कि 2-3 महीने बढ़ाएंगे, मिड सेमेस्टर ब्रेक हुई एक हफ्ते की, दूटा की स्ट्राइक रहती है, कोई टीचर बीमार होगा तब नहीं आएगा, 70% सिलेबस ऑनलाइन हो गया, अब बताओ ये क्या करेंगे। दौरान जो ऑफलाइन जो भी 10-15 दिन हुआ है उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस वगैरह हुई है कुछ, या प्रोफेसर की तरफ से कोई सपोर्ट मिला है या नहीं मिला? इसमें अधिकांश तो डूटा स्ट्राइक ही चल रही है, और जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि सीधा वो पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप ये बताइए कि ऑनलाइन कभी लैब पॉसिबल हो सकती है क्या? ऑनलाइन लैब पॉसिबल नहीं हो सकती ना, तो अब ये ऑफलाइन आने के बाद हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में ओनली सिर्फ 3 लैब होती हैं और प्रैक्टिकल हमारे 8 या 9, तो 8 या 9 प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो सकते ना, तो फिर एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे? प्रोफेसर की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है फिर? प्रोफेसर की तरफ से बोलते हैं कि आपने जैसा किया है ना उस हिसाब से करो, अब जम्मू से स्टूडेंट थे और उसके बाद जैसलमेर से स्टूडेंट हैं, उनके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है तो वो ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने कम्प्लीटली नहीं है। हमारे केमिस्ट्री में 28 प्रैक्टिकल है, 28 प्रैक्टिकल में से 28 के 28 से ऑनलाइन हो गया, लैब में हम गए 2-3 दिन तो वहाँ पे केमिकल का ही पता नहीं लग रहा कि कौन सा केमिकल है कौन सा नहीं, तो कैसे। आपके कितने साल कोरोना में निकल गए? मेरे 2 साल कोरोना में निकल गए, लास्ट ईयर है मेरा। प्रीतम जाट है, रामदास कॉलेज फाइनल ईयर से हूँ, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री से, हमारे 1.5 साल के आसपास निकल चुके हैं, और इसमें आप ही समझ सकते हैं कि जो 1.5 साल में हम नहीं पढ़ पाए वो आगे हमें कुछ समझ आ नहीं रहा है, नॉर्मल सी बात है ये। और बहुत से बच्चों के नेटवर्क की इशू भी है बहुत, और टीचर से हमें सिर्फ इतना ही सपोर्ट मिल रहा है, वो बोल रहे हैं वी वांट टू गिव यू इमोशनल डैमेज। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी ऑनलाइन करो, हमें हाइब्रिड का ऑप्शन दे दो कि जो बंदे ऑनलाइन देना चाहें वो ऑनलाइन दे दें, जो ऑफलाइन देना चाहे जो ऑफलाइन दे दें। अभी कहाँ रह रहे? मैं तो यहाँ पर रह रहा हूँ मुखर्जी नगर में। अच्छा, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी यहाँ एकदम से अचानक से? एकदम से बहुत दिक्कतें आई थी, एकदम से किराया भी 12,000 दे रहा हूँ मैं 2 लोगों का, 6,000 किराया पड़ रहा है जो मुझे बहुत महंगा लग रहा है, लग क्या रहा है अब मैं घर से, ये तो मैं जानता हूँ घर से मेरे कैसे आ रहे हैं। अब हमारे पास केवल 2 महीने हैं, 2 महीनों के लिए हमें सिक्योरिटी वगैरह पूरा खर्चा सब कुछ देना पड़ रहा है, और केवल वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए, और हम राजस्थान से, राजस्थान में भी दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो जो ऑनलाइन क्लासें होती थी हमारी वो भी हम अच्छी तरीके से नहीं ले पाते थे, और उनमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कई बार तो टीचर्स ने क्लासें नहीं ली, और ली भी तो वो ढंग से हो नहीं पाती थी, और मेन तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल का इनका जो है तो प्रैक्टिकल तो हमारे बिल्कुल 0 हुआ है, ये मानो 2 साल में कुछ सीखा नहीं प्रैक्टिकल में हमने, क्योंकि वर्चुअल लैब में होता था, तो यहाँ फिजिकल लैब में तो उसका कुछ हमें ज्ञान नहीं है अभी। शेखर नाम है मेरा, 3rd ईयर रामजस कॉलेज। अगर क्या कहते हैं सभी के लिए समान है सब कुछ, तो एक ईयर के लिए क्या कहते हैं हम ऑड इवन के लिए क्यों ले आए फार्मूला? 3rd ईयर में है मैम। यस मैम, मतलब अगर आप समान सबको देख रहे हैं तो ऑड इवन का फार्मूला ही क्यों ले आए, क्योंकि सभी लोगों की क्लासेस वैसी, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ऑड इवन में? मतलब कुछ लोगों की ऑनलाइन पेपर हो रहा है ऑड वालों का, इवन वालों का ऑफलाइन पेपर। कौन से ईयर से? 3rd ईयर, 1st ईयर से 3rd ईयर, 5th सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं और बाकियों के मतलब ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं। अगर सभी को समान रूप से देख रहा है DU प्रशासन तो क्यों ऑफलाइन करवा रहा है पेपर? सभी के ऑनलाइन करवा दे, या फिर सबको समान देख रहा है तो ऑनलाइन भी उनका ना करा के ऑफलाइन ही करवा दे, तो हम लोग को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? यही दिक्कत है उनकी, हमारी मांग ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं हमारे लिए ही करवाइए, या तो सभी को समान कर दीजिए या तो उन लोगों को भी ऑनलाइन कर दीजिए या ऑफलाइन कर दीजिए, ये दिक्कत है। इसलिए यही मांग रख रहे हैं कि सभी को समान अधिकार दीजिए, क्यों हम लोगों के साथ मतलब एक प्रकार से विरोध किया जा रहा है, इन लोगों को ऑनलाइन करेंगे या इनको ऑफलाइन करेंगे, यही दिक्कत है। बाकी कोई मांग रही, हम लोग पर्सनल अपना चाहते हैं ओपिनियन कि हमें आप ऑनलाइन कराइए, नहीं हम पढ़ेंगे नहीं हमें ऑनलाइन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही चाहते हैं सभी को समान कर दें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्लासेस का आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है, जैसा कि हमने साइंस के कई विद्यार्थियों से बात किया, छात्रों में लड़कियों और लड़कों से भी बात किया, तो उनसे हमें यह पता चला है कि उनकी काफ़ी दिक्कतें हैं। अगर आप इसका समर्थन करते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, हाइब्रिड मोड पे जाना चाहते हैं, तो आप सरल भारत के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप सरल भारत को फॉलो कर सकते हैं।